घरों की छतें उखड़ रही हैं, दीवारें दरक रही हैं। ये हाल है ओडिशा के तटीय इलाकों का। करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से आया तूफान पूरे इलाकों पर छा गया है। तूफान का सबसे ज्यादा असर गोपालपुर में दिखा। यहां समंदर की लहरें गदर मचा रही हैं, पेड़ टिक नहीं पा रहे। गवर्नमेंट ने पहले ही ये इलाका खाली करवा दिया था, पर अभी हम देख रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है, बारिश लगातार बनी हुई है। कल से हालांकि बारिश बहुत ज्यादा तेज नहीं है, पर जिस हिसाब से हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं उस हिसाब से बारिश बहुत तेज लग रही है। इसके बाद करीब करीब 3 लाख से ज्यादा कोस्टल एरिया से 3 लाख से ज्यादा लोगों को सरकार ने इवैक्यूएट कर दिया था, यहाँ से हटा दिया था रिहायशी इलाकों से, ताकि कोई नुकसान ना हो। ओडिशा में करीब 4 लाख लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तूफान के चलते आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर गंजम, पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में देखा जा रहा है। इन जिलों में समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को हटने को कहा गया है। तटीय इलाकों में पर्यटकों को गहरे समुद्र में ना जाने के लिए कहा गया। साथ ही मछुआरों को हिदायत दे दी गई है कि वो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बंगाल की उत्तरी और मध्य खाड़ी में 12 अक्टूबर तक ना जाएं। अब तक NDRF के 10 दल और ODRF के 8 दल तटीय और आंतरिक जिलों में तैनात किए जा चुके हैं। 836 शिविरों को तैयार किया गया है। आज और कल तूफान के और तेज होने की आशंका है। बस लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ये खतरनाक तूफान जल्दी ही चला जाए।